नमस्कार दोस्तों, निराला कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। तो दोस्तों, अगर आप निराला कंस्ट्रक्शन के एक पुराना व्यूअर्स है तो आपको पता होगा कि मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डेली एक वीडियो लाता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉल का जो सीलिंग का काम हुआ है उसको दिखाने वाला हूं और उसके साथ साथ किस कलर का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो के बाद में काफ़ी कुछ आइडिया अपने घर के लिए आ जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन को भी लेकर और ये सीलिंग के डिज़ाइन से रिलेटेड भी आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीलिंग का बात कर लेते हैं। तो ये जो आप वीडियो में सीलिंग देख रहे हैं, ये दोस्तों ओरिजिनल सीलिंग है, ये कोई फॉल्स सीलिंग नहीं लगाया गया है। और इसके साथ साथ एक रोचक बात ये भी है कि ये दोस्तों POP से नहीं बनाया गया है, ये दोस्तों सीमेंट और सैंड का इस्तेमाल करके ही से बनाया गया है। हालांकि जिनका ये घर है उनका ये कहना है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लगता है क्योंकि दोस्तों इसमें लेबर चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि दोस्तों आप सीमेंट से बनाते हैं तो ये देखिए कहीं भी गलती हो गया तो दोस्तों यहाँ पर गिरने का खतरा रहता है। और जो POP वाले बनाते हैं तो उनके लिए दोस्तों खास तरह का फर्मा होता है तो वहाँ पर आसानी के साथ बन जाता है। तो ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, कुछ इस टाइप से यहाँ पर काम किया गया है। ये देखिए दोस्तों, चारों कोन पर इस टाइप का डिज़ाइन है, सेम डिज़ाइन, और ये देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन है यहाँ पे, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का डिज़ाइन है। और बीच में देखेंगे तो फैन के लिए दोस्तों आपको एक कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बनाया गया है। और कॉर्नर का बात किया जाए तो आप देख लीजिए कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बनाया गया है जो कि चारों तरफ दोस्तों सेम दूरी पे लगाया गया है, आप देख लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कलर का। तो दोस्तों, हर किसी का कलर घर का है वो अलग अलग रहता है, लेकिन आपको लिए मैं एक आइडिया यहाँ पे दे सकता हूँ। तो जो एंट्री के साथ दोस्तों जो पहला दीवार रहता है उसे हल्का फास्ट कलर ही रखा जाता है क्योंकि दोस्तों वो देखने में चमकता है दोस्तों। तो इसी तरह का उपयोग करके यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का यहाँ पर उपयोग किया गया है। जैसे आप इंटर होते हैं घर में तो सबसे पहले जो दोस्तों आपका कलर दिखेगा वो इलेक्ट्रिक ब्लू दिखेगा, और उसके दोनों साइड देखेंगे तो रानी कलर का उपयोग किया गया है। हल्का ये फीका वाला रानी कलर है, ये देख लीजिए, ये ओरिजिनल रानी कलर है लेकिन हल्का फीका कलर का उपयोग किया गया है। ये सही दोस्तों ट्रिक है क्योंकि दोस्तों आप हर एक दीवार पर फास्ट कलर का ही उपयोग कर लेंगे फिर वो देखने में दोस्तों अच्छा नहीं लगता है, और सारा अगर कलर हल्का मध्यम रहेगा तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक कलर दोस्तों फास्ट होना बहुत ही ज़रूरी है जिसका उपयोग यहाँ पे किया गया है। और सीलिंग का बात किया जाए तो अभी वाइट ही कलर यहाँ पे किया गया है, हालांकि उनका कहना है कि कुछ सालों के बाद जब फिर से कलर होगा तो यहाँ पे आप दूसरा कलर भी लगाएंगे तो आपको एक अच्छा दोस्तों लुक मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप स्टार्टिंग में ही सारा कलर का उपयोग कर लेंगे फिर दो साल के बाद फिर आप सेम कलर लगाएंगे तो फिर जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप अगली बार जब कलर करवाएंगे तो उसमें कुछ बदलाव के साथ करवाएंगे तो ये डिज़ाइन है वो आपको भी उसमें इंटरेस्ट आपको बना हुआ रहता है। तो देख लीजिए कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए डेली एक वीडियो लाते रहता हूँ हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभात कुमार को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।